जो आज के समय में घटनाएं हो रही हैं उस पर आधारित फिल्में आ रही हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या फिर केरला फाइल, और अब आखिर पलायन कब तक। तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके की फिल्मों के माध्यम से हम अपने युवाओं तक वो बात पहुंचा सकते हैं जो शायद उनको नहीं पता है, और वो क्या एक मैसेज इससे ले सकते हैं, किस तरीके से आप? ऐसा है कि आखिर पलायन कब तक फिल्म जो बनी है, पहले तो मैं उनको बनाने वाले सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश के सामने सच्चाई को लाने का काम किया है। और वास्तविकता ये है कि जहाँ बहुसंख्यक ज़्यादा है और वहाँ अगर अल्पसंख्यक कोई रहता है तो उसको अदब के साथ आराम से रहने के लिए उसको अवसर मिलता है, लेकिन जहाँ बहुसंख्यक कम हो जाते हैं, अल्पसंख्यक अधिक हो जाते हैं, वहाँ पर उसको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसी पर ये फिल्म बनी है। और मुझे इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी फिल्में जो बनी हैं ये पिछले 10 साल के अंदर ही लोगों का एक आत्मविश्वास बढ़ाए। निर्माता निर्देशक जिसमें चाहे कश्मीर फाइल हो या जिस तरह से केरला की स्टोरी के ऊपर फिल्म बनी हो, और इसके साथ ही अभी ये जो आखिर पलायन कब तक फिल्म बनी है, और इसको लेकर मुझे ये ज़रूर कहना है कि आज भी जिन निर्माताओं ने बनाई है उनके अंदर आज भी खतरा है, उनको उन्होंने सिक्योरिटी ले रखी है, इतना डर बैठा हुआ है। और आज जिसने इन्होंने जो आखिर ये आखिर पलायन कब तक फिल्म है, उनके एक्टर और उनके डायरेक्टर को अभी भी धमकियां मिल रही है फोन के ऊपर, जिस तरह से धमकी तुम्हें तर सर तन से जुदा कर देंगे। तो ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि सख्त कानून भी होना चाहिए। और ये स्वतंत्रता जो मिली है वो अभी इन 10 सालों के अंदर, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से एक आम आदमी के अंदर विश्वास जगा है। लेकिन मुझे अभी भी है कि इसके वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसके अंदर संशोधन होना चाहिए, इनके अधिकारों को कम करना चाहिए या वक्फ बोर्ड को समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से इनकी जमीन जो है वहाँ जमीनों के ऊपर बेवजह कब्जा कर लेते हैं, और जिसको इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक सच्चाई को लाने के काम किया गया है। ये मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन पिछले 10 सालों के अंदर ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने वास्तव में, पहले तो सिर्फ वही फिल्में आती थी जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जिसमें हिंदू धर्म का कोई अगर साधु संत है तो उसको इस तरह से फेस किया गया कि साधु साधु संतों को दूसरी नज़र से देखना, उनके अंदर अय्याशी को दिखाने का काम किया गया। लेकिन आज जब ये सच्चाई सामने आ रही है तो उनके पेट में मरोड़े आ रहे हैं, लेकिन तिलमिलाए चाहे मरोड़े आए, लेकिन सच्चाई लाने के लिए लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, और अब आगे और भी सच्चाई और पुराना इतिहास भी लोगों का सामने आएगा, तब देश के सामने एक सच्चाई सामने आएगी। और उसी को इस फिल्म के अंदर सच्चाई को दिखाने का काम किया जो आखिर पलायन करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि आखिर पलायन फिल्म को लेकर जिस तरीके के विचार सामने आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो आज के समय में जो हो रहा है वो सच्चाई दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रही है, और ऐसी ही सच्चाई सामने लेकर आई है फिल्म आखिर पलायन कब तक।